पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से कराची जाने वाली ट्रेनें हस्बे मामूल ताखीर का शिकार हैं। शाह हुसैन पौने 6 घंटे ताखीर का शिकार है, जबकि मिल्लत एक्सप्रेस 4 घंटे 18 मिनट ताखीर से पहुंचेगी। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे हबीब खान से। हबीब, बताइएगा क्या वजह है ताखीर की? बिल्कुल, हस्बे मामूल जो है वो कराची पहुंचने वाली ट्रेनें ताखीर का शिकार हैं। बिलखसूस केपी और पंजाब से अगर आने वाली ट्रेनों के हवाले से बात करें तो आज का शेड्यूल भी बुरी तरह जो है वो मुतासिर है। कराची पहुंचने वाली मुतादिद ट्रेनें कई कई घंटे ताखीर से जो है वो आज कराची पहुंचेंगी, जिसमें शाह हुसैन एक्सप्रेस तकरीबन 6 घंटे से ज़ायद के वक्त से जो है वो बताया जा रहा है कराची पहुँचेगी। मुख्तलिफ दीगर ट्रेनों की अगर बात करें तो मिल्लत एक्सप्रेस भी आज 4.25 से 4.5 घंटे के दरमियान ताखीर से पहुंचेगी, जबकि अगर जिना एक्सप्रेस के हवाले से बात करें तो उसको टेक्निकल वजूहात की बुनियाद पर कई रोज़ से जो है वो मुअत्तल किया जा रहा है। उसके मुसाफरों को कराकरम और कराची एक्सप्रेस में ज़म किया जा रहा है, लेकिन आज कराची पहुंचने वाली कराकरम एक्सप्रेस भी जो है वो मुतासिर है। कराची एक्सप्रेस की टाइमिंग भी जो है वो डिले है। अगर बात की जाए तो ईद उल अज़हा में अब सिर्फ और सिर्फ 10 रोज़ बाकी हैं और शहरी जो मुल्क भर से हैं वो अपने अपने आबाई इलाकों में जाते हैं ऐसे मौके पर, लेकिन जो रेलवे शेड्यूल है वो बुरी तरह मुतासिर है और मुसाफिरों को अपनी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हबीब खान आपका।